स्क्वायर नंबर्स में हमें करना क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ, ठीक है, सॉरी, स्क्वायर ऑफ नंबर अगर हम करते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, थ्री का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, थ्री को दो बार मल्टीप्लाई करो या थ्री का डबल, ठीक है, ये होता है, ये हमें पता है। स्क्वायर नंबर इज अ नंबर विच वी गेट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू टाइम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्क्वायर नंबर्स उनको कहते हैं जब किसी नंबर को हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो आंसर आता है वो हमारा स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो जैसे देखो, मैंने कि टू टाइम्स मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, टू टाइम्स जिसको मल्टीप्लाई कर, जैसे मान लो कि थ्री है का स्क्वायर, मतलब थ्री को टू टाइम्स किया है ना, ये वन टाइम हो गया और ये टू टाइम हो गया, टू टाइम मल्टीप्लाई किया। अगर मैं कहूं कि फोर का स्क्वायर, मतलब कि फोर को टू टाइम करेंगे, एक टाइम और ये दूसरे टाइम, तो क्या हो जाएगा, 16। तो किसी के स्क्वायर का मतलब है कि किसी भी नंबर को जब आप टू टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका स्क्वायर नंबर आ जाता है। तो मान लो बेटा, ये जो हमारा थ्री का स्क्वायर नंबर क्या होगा, 9, फोर का स्क्वायर नंबर क्या होगा, 16। यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसी तरह से 1 से लेकर के 100 तक, मेरे नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, 1 से लेकर के 100 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर क्या होता है। अब हर बार हम मल्टीप्लाई करके देखें तो इसमें क्या होता है कि अगर एक दो बार आप पलट के चार्ट देख लोगे ना, तो बहुत बार हमको याद भी हो जाता है बहुत सारी चीजें, 12 का, 13 का, 14, मैंने 1 से 20 तक तो याद होना ही चाहिए आदमी को। लेकिन अब फाइंडिंग स्क्वायर नंबर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ लार्ज नंबर, यहाँ पे चैलेंज होगा। अब मान लीजिए कि हमको 10, 5, 4, 3, 2 इन सबों का स्क्वायर करने पे तो तुरंत कैलकुलेट करके लिख देंगे, लेकिन अगर बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, उसका इजी ट्रिक अपनाएंगे जो कि नियम भी है। देखिए, स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर्स, स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकलेगा वो देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि 23 का स्क्वायर पता करना है तो हम क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। हमको वैसे नहीं करना, हमको जो प्रोसीजर है उसको अपनाना है। तो 23 का जो स्क्वायर होगा उसको क्या लिख सकते हैं, पहले 23 के स्क्वायर का मतलब होता है 23 × 23, ठीक है, यही होता है ना। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 20 को 20+3 लिख सकते हैं, फिर भी 20+3 लिख सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 20+3 × 20+3 प्लस थ्री, एक सेकेंड रुकिए, फिर से एक बार समझा रहे थे, हमको क्या करना है कि लार्ज नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो 23 का स्क्वायर मतलब कि आपके लिए नहीं, जो आगे गधे आएंगे उनके लिए बोल रहे हैं ताकि रिकॉर्ड हो सके। 23 का स्क्वायर मतलब कि 23 दो बार हम उसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल बात। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, 20 × 20+3 दो बार कर लिया। अब यहाँ पे 20 दो बार है, 3 भी दो बार है, और 20+3 भी जो दो ब्रैकेट अलग है, ये भी दो बार है। तो हम पहले क्या करेंगे, 20 को बाहर निकालेंगे
और इस ब्रैकेट को यहां रखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, थ्री है तो थ्री को बाहर निकालेंगे, ठीक है, थ्री को बाहर निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, 20 प्लस 3 को एज इट इज यहां रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का साइन यहां लगाया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस का साइन उसी तरह है। आप इसको भी एक ब्रैकेट में चाहो तो रख सकते हो, 3 से 20, 20 से 3, सॉरी 3 से 3, ये आ गया, कैलकुलेट करेंगे, 20 20 400, 20 360, 320 60, 3 3 9, टोटल कैलकुलेट करने पे 529 आएगा, ठीक है। अब इस तरह के एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर किस तरह निकालेंगे वो देखना है हमें। अब जैसे देखो -3 एक नेगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई -3 × -3, आंसर 9 आएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सीधे प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक का प्लस एक का माइनस तो हो ही नहीं सकता ना कभी, तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। -41 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए जल्दी से, ये भी इसी तरह, फिर से मैं बता दूं कि -3 जो होगा या कोई भी नेगेटिव नंबर होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो उसी तरह मान लो कि अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 2 बार माइनस के साइन का भी मल्टीप्लाई, और हमें पता है कि 2 बार अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो उसका साइन प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हाँ काट सकते, बिल्कुल, ये कैंसिल हो जाता है, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें अभी और मुश्किल वाले क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, पहले इजी वाले देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं पहले जो आपको याद रखने, कॉन्सेप्ट क्या है कि स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद डिजिट 0 1 4 5 6 7, जो स्क्वायर नंबर होगा वो किससे एंड होगा, 0, ठीक है, 1 4 5 6 और 9 से, ये याद रखिएगा। जैसे मान लो किसी का भी आपने स्क्वायर अभी निकाला है ना, उसके लास्ट में इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर रहा होगा, और दूसरा हो ही नहीं सकता, अगर वो हो ही नहीं सकता कि वो स्क्वायर नंबर हो किसी का, अगर इसके अलावा लास्ट में किसी के नंबर हो, जैसे मान लो 11 का 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 144 आता है, 13 का शायद 169 आता है ना, तो एक फैक्ट ये याद रखिएगा, 0 1 4 5 6 9 इन्हीं नंबर में से कोई ना कोई उस स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट होगा, पहली बात तो ये। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, जैसे देखिए कोई भी जैसे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, लक्ष्य क्या कर रहा है, जो इसका रूट आ जाए, समझ रहे, एक सेकंड रुको मैं बता रहा हूं, अभी परफेक्ट स्क्वायर तो आपको सिखाना ही है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी ही है, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है। अब जैसे देखो कि 2500 100, ठीक है, ये दोनों का दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, एक सेकंड, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे इसका मतलब उसके लास्ट में जीरो जरूर होगा, ठीक है। हाँ कितने भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं एक सेकंड रुक जरूर जरूर, क्या पढ़ा रहा हूं, कहां चला गया मैं,